या एवरी वन वेलकम अगेन टू ई इज़ लर्निंग दिस इज मोनिका एंड टूडे आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं एन टी यू जी सी नेट पेपर एजुकेशन को उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम यूनिट एट यूनिट एट है आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से कंसर्न आपका जो पेपर uh, वन है उसमें जो आई पार्ट है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पेपर एजुकेशन से ये कॉमन टॉपिक है तो आज का वीडियो लेक्चर आई के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मींस पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है साथ साथ यूनिट एट पेपर टू एजुकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी अप्रोचेज से कंसर्न तो क्लियर तो टाइप्स ऑफ़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या उससे पहले मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बेसिक बात करूं क्योंकि तो इसकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है वो मैं ले चुकी हूं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और ये क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप एजुकेशन को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर देते हैं ठीक है आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंबाइन कर दिया टेक्नोलॉजी के साथ तो आप अभी के जो क्लासरूम है उसमें ब्लेंडेड लर्निंग यूज़ हो रहा है फ्लिप्ट क्लासरूम यूज़ हो रहा है तो दीज आर योर कंसेप्शन लर्निंग जिसमें हम एजुकेशन को एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसमें टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे वाइल्ड एजुकेशन तो जिसमें टीचिंग लर्निंग आपकी इफेक्टिव होगी जैसे कि आपका बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग फ्लिप्ट क्लासरूम ओपन बुक एग्जामिनेशन या प्रोजेक्टर के थ्रू आप टीच कर रहे हैं या आपने कोई भी टेक्नोलॉजी की हेल्प ली या आपने ऑनलाइन टीच किया या आपने गूगल की हेल्प ली इंटरनेट की हेल्प ली दैट आपने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली बेसिकली और एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देने के लिए वर्चुअल क्लासरूम्स को यूज किया ठीक है तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन अप्रोच विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वे क्लास को स्टार्ट करते हैं वी हैव थ्री अप्रोचेस विद अस हार्डवेयर अप्रोच सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री आपको एग्जाम में टाइप वन टाइप टू और टाइप थ्री भी मिल सकता है हो सकता है आपको मेंशन ना किया गया हो कि कौन सी अप्रोच हार्डवेयर है कौन सी सॉफ्टवेयर है और कौन सी सिस्टमेटिक है ठीक है तो टाइप वन है दैट मीन्स हार्डवेयर टाइप टू दैट इज़ सॉफ्टवेयर एंड टाइप थ्री इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी अप्रोचेज की तीन अप्रोचेज़ हैं आपको नाम याद हो जाना चाहिए अब हार्डवेयर की बात करेंगे बहुत ही ईजिली कि हम चीज़ों को क्वेश्चन को समझें कि क्यों ऐसा है हार्डवेयर जिसको आप फील कर सकते हैं टच कर सकते हैं ठीक है इस कैन बी सीन एंड टच तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर अप्रोच आपको ऑडियो के लिए ठीक है टेप रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं रेडियो टीचिंग मशीन ट्रांजिस्टर मोबाइल दैट मीनस कुछ भी हार्डवेयर में है मशीन है मशीन की आप हेल्प ले रहे हैं विजुअल अप्रोच दिखने के लिए स्लाइड्स की यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं एपडस्कॉप का यूज़ कर रहे हैं फिल्म स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर मोबाइल यू कैन फील एंड टच ठीक है देन वी हैव ऑडियो विजुअल अप्रोच दैट इज़ योर टेलीविजन मोबाइल फिल्म कंप्यूटर वीडियो सेक्टर तो हार्डवेयर जिसमें आपने हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया आपने मशीन का यूज़ किया उसको आप सीन कर सकते हैं टच कर सकते हैं क्लियर तो ये था आपका हार्डवेयर अप्रोच बहुत ही शॉर्ट क्लासेस होंगी लेकिन आपको समझ आएगा ठीक है क्योंकि मैंने मेरा टारगेट है कि एक दिन में कम से कम पाँच लेक्चर आपको मिल जाए और क्रैश कोर्स भी है चैनल पर आप जो स्टूडेंट बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है आई रिक्वेस्ट कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए पूरी आपका हार्डवर्क कर रहे हैं आपके साथ आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो एक एक मॉक टेस्ट मैंने प्रिपेयर किया है ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंटेंट आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से मॉक टेस्ट हैं और सिलेबस uh, के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्रैश कोर्स में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर जो स्टार्टिंग के अभी एक दो दिन की क्लासेस हो चुकी हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर और अभी के लिए जो भी आप ज्वाइन करेंगे उनके लाइव क्लासेस और आपके चार से पांच लेक्चर लग रहे हैं टॉपिक्स आपको मैं कवर करवा रही हूँ तो क्रैश कोर्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं तो चाह रहे हैं कि हमने प्रिपरेशन नहीं किया और अब एटलीस्ट हम कुछ स्टार्ट uh, करना चाह रहे हैं तो हम कर लें क्लियर तो जो आपकी टेन एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ यूनिट एट की या जो भी हम कॉन्सेप्ट किया अभी तक हमने कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी आपने एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया नाउ फर्स्ट हमने किया था हार्डवेयर अप्रोच अब हार्डवेयर अप्रोच की जिसमें आप हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके टेप रिकॉर्डर्स हो गए एनीथिंग जो आपको हार्डवेयर फॉर्म में मिलेगा ठीक है तो एसोसिएटेड प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको uh, के लिए हेल्पफुल होंगी क्योंकि तो हमने हेल्प लिया ठीक है अब रोल क्या है हार्डवेयर अप्रोच का एजुकेशन में इट इज़ सपोर्टिव सप्लीमेंट्री टेक्निक देखो अब फ्लिप क्लास रूम है क्लास को फ्लिप कर दिया आपने ब्लेंडेड लर्निंग uh, है या आप इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं ये हमें एक सपोर्टिव टेक्निक है आप कुछ भी गूगल पे सर्च करके अपनी क्लास में स्मार्ट बोर्ड पे यूज़ कर सकते हैं डिजिटल क्लास बोर्ड या डिजिटल मैं आपके क्लास बोर्ड पे या स्मार्ट बोर्ड पे जो क्लास लेती हूँ तो कुछ भी हमें चाहिए होता है तो हम शेप्स ड्रा करते हैं या हम इंटरनेट की हेल्प लेते हैं तो दैट विल बी ईजी फॉर अस क्लियर तो इट इज़ सपोर्टिव सप्लीमेंट्री टेक्निक इट इज इफेक्टिव दैट्स वेरी गुड इट इज़ इकोनॉमिकल हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स कोर एक्सपीरियंसिस तो आपके कॉन्सेप्ट की मैं अगर बात करूँ तो ये जो आपके लिए जो एम का सिलेबस है उसके लिए रिटर्न मटेरियल भी है आपको इसका पी भी आपको मिल जाएगा और समझने के लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है तो पहला हार्डवेयर अप्रोच आई होप का वो क्लियर हो गया होगा ठीक है ना अब हार्डवेयर अप्रोच हमारा क्लियर हो गया तो नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर अप्रोच द स्लाइड one second चलिए स्लाइड बाय मिस्टेक या तो मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि मुझे तो याद है तो टाइप टू की अगर मैं बात करूँ ठीक है स्लाइड आई डोंट नो कि कैसे स्किप हो गया मुझसे और पीडीएफ में मैं इंक्लूड कर दूँगी उसे सॉफ्टवेयर अप्रोच दैट इज़ योर टाइप टू अप्रोच सॉफ्टवेयर अप्रोच या योर टाइप टू अप्रोच तो सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है बच्चे कि सॉफ्टवेयर के यूज़ हुआ आपने मोबाइल से लर्निंग लिया मोबाइल हार्ड फॉर्म में है हार्डवेयर अप्रोच लेकिन जो मोबाइल पे आपने यूट्यूब ऐप आप से आप स्टडी कर रहे हैं या मेरी ऐप जो है ईज लर्निंग ऐप तो एक सॉफ्टवेयर है तो आप किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से लर्निंग करेंगे दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर अप्रोच कि जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहे हैं दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर अप्रोच आप लैंग्वेज सीख रहे हैं सी प्लस प्लस फाइनस की जितनी भी आपकी जावाई सारी लैंग्वेज हैं तो दिस आर आप सॉफ्टवेयर अप्रोच किसी भी सॉफ्टवेयर की आपने हेल्प ली और उससे कुछ सीखा ठीक है दैट इज अ सॉफ्टवेयर अप्रोच थर्ड वी हैव सिस्टम अप्रोच सिस्टम में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे हार्डवेयर भी इंक्लूड होगा और सॉफ्टवेयर इंक्लूड होगा तो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी जब दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाएंगे हम तो जिससे कहेंगे सिस्टम अप्रोच एजुकेशन सेक्टर में सिस्टम अप्रोच सबसे ज़्यादा यूज़ की जाएगी तो इसका एक प्रोसेस है कि इनपुट हुआ देन आपने प्रोसेसिंग किया आउटपुट मिला तो सिस्टम अप्रोच आपने हार्डवेयर की हेल्प ली उसमें अभी स्कूल्स हैं उनके अपने अपने सॉफ्टवेयर्स हैं बच्चों की टाइमिंग को लेकर मैनेजमेंट को लेकर उनके स्कूल के बस बस की टाइमिंग को लेकर डिस्पोजल कितने बजे है कौन कब आ रहा है जो स्टाफ की एंट्री को लेकर किस टाइम पंचिंग की जा रही है तो दीज आर बेस्ड ऑन सॉफ़्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं हर हाँ स्कूल के लिए हर हाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हैं तो जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे जिसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों इंक्लूड होंगे दैट इज योर सिस्टम अप्रोच तो सबसे ज़्यादा स्कूल्स में ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है किस लिए काम को इफेक्टिव करने के लिए तो तीन अप्रोच हैं अगर आपको टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री आए तो आप समझ जाना है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच की बात की जा रही है क्लियर आई होप वो क्लास अच्छी लगी होगी शॉर्ट क्लास थी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ठीक है और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको और क्लासेस ऐसे अच्छी लग रही है समझ आ रही है तो आपको क्या करना है लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू सो मच